नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। नेशनल रिपोर्टर में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून और एनआरसी के बाद देश भर में विरोध प्रदर्शनों की बाढ़ आ गई है। हमारे विश्वविद्यालय परिसर उबल रहे हैं। ऐसी हालत में वो छात्र नेता इस आंदोलन से दूर कैसे रह सकता था जिसने पिछले कुछ वर्षों में इस देश के हर जरूरी विमर्श में हिस्सा लिया है। तो पूर्णिया में कल कन्हैया कुमार दिखे, वो दिखे और उनके साथ दिखा एक विराट जनसमूह, वो समूह जो उनके साथ नारा लगा रहा था, उसे चाहिए गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह और अशफाक वाली आजादी। तो आज हमारे साथ हैं कन्हैया कुमार। हम सब संविधान और उसकी प्रस्तावना को याद कर रहे हैं। कन्हैया कुमार की आवाज में सुनिए संविधान की प्रस्तावना। हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास और धर्म की उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया। तो अभी आपने कन्हैया से ही सुना संविधान की प्रस्तावना को। हमारे साथ स्टूडियो में कन्हैया कुमार खुद यहाँ मौजूद हैं। कन्हैया, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। और आज़ादी का जो आपका नारा था जिससे आप वायरल हुए थे, आज एक बार फिर हमने उस नारे को सुना है। हालांकि इस वक्त आप पूर्णिया में उस नारे को दे रहे थे, तो क्या जरूरत पड़ गई आपको, लग रहा है कि उस दिन के बाद आपको एक बार फिर से इस नारे को देना पड़ा है? नहीं, नारे तो हम लोग अलग अलग मौक़ों पर लगाते रहते हैं। ये खास मौका है जब जब अंग्रेज़ों की गुलामी हमारे ऊपर थोपने की कोशिश की जाएगी। स्वाभाविक तौर पे अंग्रेज़ों से जिन लोगों ने हमको आज़ादी दिलाई है उनको याद करते हुए उस गुलामी को ख़त्म करने के लिए हम आज़ादी की बात करेंगे। इस बार अंग्रेज़ कौन है? इस बार बहुत तकलीफ़ की बात है कि वो अंग्रेज़ व्यापार करने के लिए आए थे और हमको ग़ुलाम बना करके चले गए। इस बार जो अंग्रेज़ हैं वो देश का व्यापार बढ़ाने की बात कर रहे थे, काला धन को लाने की बात कर रहे थे, भ्रष्टाचार खत्म करने की बात कर रहे थे। लेकिन इस अंग्रेज़ को ना हमने बुलाया है ना ये आए हैं, बल्कि हमने इस अंग्रेज़ को चुना है, हमने वोट दिया है इस उम्मीद में कि हमारा जीवन बेहतर होगा। लेकिन हमारे जीवन की बेहतरी की बात को भुलाकर रोजी रोटी, कपड़ा मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, किसान, नौजवान, गरीब, महिला, इन तमाम जो बुनियादी सवाल हैं इनको गुमराह करके, नज़रअंदाज करके दिन रात हम लोगों को नफ़रत की आग में जलाने की कोशिश की जा रही है। मैं समझता हूँ कि जब खेत में मर रहा किसान स्वाभाविक रूप से दिन रात हो रहा है हिंदू और मुसलमान, तो ये जो अंग्रेज़ों की नीति थी फूट डालो राज करो, उसी पे कहीं ना कहीं चलते हुए अफसोसजनक बात है कि हमारी सरकार जिसको हमने ही चुना है वो डिवाइड एंड रूल अंग्रेजों की पॉलिसी की तरह डाइवर्ट एंड रूल का इस्तेमाल कर रही है। यहाँ आपने जो कहा कि हमारी सरकार जैसे हमने खुद ही चुना है, और बीजेपी भी लगातार ये कहती रहती है कि हम अपने मैनिफेस्टो में ये सब आपको दिखा रहे थे, आपको पता था, तो जब हमारे देश की जनता ने इनको चुन के वहाँ पे बिठाया तो फिर वही काम अगर वो कर रहे हैं तो उस पर क्यों हम सवाल उठा रहे हैं? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी भाषण बहुत अच्छा देते हैं। उनका कोई एक भाषण आप अपनी टीवी पर चला दीजिए जिसमें उन्होंने कहा होगा कि हम एनआरसी लागू करेंगे देश में, कोई एक भाषण सुना दीजिए। जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री नहीं थे, मुख्यमंत्री थे,
तो देश के मुद्दों पे बात करते थे, आधार कार्ड के खिलाफ बोलते थे, महंगाई विकास की बात करते थे, प्याज की कीमतों पर जोर से हल्ला बोलते थे, अर्थव्यवस्था के ऊपर आवाज उठाते थे, रुपया जब नीचे गिरता था तो प्रधानमंत्री जोर से आवाज उठाते थे। इन सारे मुद्दों को आज वो भूल गए हैं जब वो प्रधानमंत्री बने हैं। और जब भी चुनाव होता है, उनकी चुनावी कोई भी सभा को आप देख लीजिए, वो कब्रिस्तान और शमशान की बात करते हैं। इस बार तो झारखंड में जाकर तो लोगों के पोशाक की काम बात है उठाना, क्योंकि जब वो विपक्ष में थे उन्होंने वही बात पुरजोर तरीके से उठाई, तो अब ये विपक्ष को उठानी चाहिए। तो विपक्ष जब उठाता है तब तो यही उनका जवाब होता है ना कि ये तो नेहरू जी की वजह से हो रहा है। हर चीज में आप देख लीजिए कि नेहरू जी का नाम लिया जाता है। आजकल एक मजाक जो है वो बहुत चल रहा है, जिस सीढ़ी पे लिखा हुआ था कि सीढ़ी ऊंची है संभल कर चले, वहां प्रधानमंत्री औंधे मुंह गिर गए। मुझे लगा कहीं ये ना कह दें कि नेहरू की वजह से गिर गए, तेल गिरा दिए थे नेहरू जी यहाँ पे। हर चीज में आप देखेंगे कि विपक्ष अगर कोई सवाल उठाता है तो उसको ये बोल करके गुमराह कर दिया जाता है। तो क्या गरीबी आज ही हुई है, महंगाई आज ही हुई है, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के जमाने में भी था, शिक्षा पे हमला तो कांग्रेस के जमाने में भी किया जाता था। अरे कांग्रेस के जमाने में किया जाता था और कांग्रेस से लोग परेशान थे, तभी तो जो है इतने शानदार भाषण देने वाले इस अद्वितीय प्रधानमंत्री को लोग चुन करके लाए हैं ताकि देश की समस्या समाप्त होगी। अगर अभी के प्रधानमंत्री भी पूर्व के प्रधानमंत्रियों की कहानी सुनाते रहेंगे तो देश की जनता का क्या होगा। और यही कारण है, यहीं पे मैं आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि यही कारण है कि इस देश में जिस तरह की राजनीतिक शून्यता पैदा की गई है कि आज विद्यार्थियों को अपने पढ़ने लिखने के हक अधिकार के साथ साथ हॉस्टल का फीस, यूनिवर्सिटी का फीस, नौकरी का सवाल, इन मुद्दों के साथ साथ संविधान को बचाने की लड़ाई भी लड़नी पड़ रही है। एक तरफ वो फीस वृद्धि के खिलाफ लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ संविधान के ऊपर जो देश विरोधी कानून CAA का हमला है उसके खिलाफ भी उनको सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और कहीं ना कहीं स्टूडेंट इस देश में लोकतंत्र के भीतर प्रेशर ग्रुप की जो भूमिका होनी चाहिए उसको शानदार तरीके से निभा रहे हैं। अपोजिशन पार्टी से पहले आज के डेट में देश की यूनिवर्सिटीज अपोजिशन की भूमिका निभा रहे हैं। इसलिए पूरे देश के आम नागरिकों को इस बात के लिए खुश होना चाहिए कि उनके टैक्स का पैसा सही जगह इस्तेमाल हो रहा है, उनका बच्चा एक बेहतर नागरिक बन रहा है। जब संविधान की हमला होने के ऊपर लोग बोलने को तैयार नहीं है तब विद्यार्थी अपनी आवाज़ को मुखर कर रहे हैं। जो जनता है, जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो कभी कभार यही सवाल भी उठाते हैं कि ठीक है चलिए छात्रों के ऊपर डंडा बरसाए, वो नाराज हुए, लेकिन जो हिंसा हो रही है नागरिकता संशोधन कानून को लेते हुए, कभी कभार जब आप आंदोलन की बात करते हैं तो उसके साथ हिंसा भी पुछल्लू बन के आ जाती है, उसका क्या किया जाए? देखिए, हिंसा में भरोसा करने वाला ये देश नहीं है। अहिंसा परमो धर्म ये बड़ा मशहूर वाक्य है भारत को लेकर के, और गांधी जी ने एक बहुत बड़ा आंदोलन जो है वो अहिंसक तरीके से लड़ा। अंबेडकर भी बार बार जो है वो नॉन वायलेंस की बात करते थे। यहाँ तक कि मैं आपकी टीवी के माध्यम से लोगों को बताऊं कि भगत सिंह ने भी कहा है कि बम और पिस्तौल कभी इनकलाब नहीं लाते हैं। इस देश का आम जनमानस जो है वो हिंसा का समर्थक नहीं है, लेकिन ये अचानक से हिंसा को लेकर के जो चिंतित लोग हैं कि पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हो रहा है, उनकी चेतना से मैं बड़ा प्रसन्न हूँ। और मैं उनकी इस चेतना को वहाँ भी ढूंढने का प्रयास कर रहा हूँ जहाँ वो पब्लिक सेक्टर की कंपनियाँ जो बिक रही है उसकी भी चिंता करते हुए मुझे दिखाई दें। और पब्लिक प्रॉपर्टी के नुकसान का जहाँ तक सवाल है, यूनिवर्सिटी कैंपस भी पब्लिक प्रॉपर्टी ही है, लाइब्रेरी भी पब्लिक प्रॉपर्टी ही है। किसी भी आंदोलन में हिंसा का कोई जगह नहीं है, हिंसा का हमको समर्थन नहीं करना चाहिए। और मेरा तो ये अनुमान है कि आंदोलन को दबाने के लिए जानबूझकर साजिशन हिंसा का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि आंदोलनों को दबाया जाए। कौन करेगा ये साजिश? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो ये साजिश करने की परिस्थिति देश में पैदा की कर रहा है, मेरा इशारा तो उन्हीं की तरफ होगा। कौन? मेरा मानना है कि पुलिस सरकार के अधीन है, IB सरकार के अधीन है। पुलिस और IB स्वतंत्र तरीके से इस पर काम करे, निष्पक्ष तरीके से पता लगाने का प्रयास करे कि किसके इशारे पे हिंसा हो रही है। मेरा अपना यह व्यक्तिगत मानना है कि कोई भी आम विद्यार्थी वो क्रिमिनल नहीं है, वो अपराधी नहीं है, वो अपने हक और अधिकार के लिए सड़कों पे उतर रहा है, उसके द्वारा कोई हिंसा नहीं की जा रही है। जो लोग भी इसमें शामिल हैं, या तो सरकार उसको पकड़ करके सामने लाए तो या ये माना जाएगा। हुए हैं लोग FIR में, वो सब पार्टियों के लोग हैं, कोई कांग्रेस यूथ कांग्रेस रिलेटेड, कोई आम आदमी पार्टी की यूथ इकाई से रिलेटेड, ये नामजद भी हुए हैं इनके ऊपर आज जो FIR हुई है। तो आपको लगता है
पार्टियां बहका रही हैं? देखिए, मैं राजनीतिक जो है, जो वाद प्रतिवाद होता है, जो आरोप प्रत्यारोप होता है, उसमें नहीं जाना चाहता हूँ। कुल मिलाकर के मैं बस इतनी बात समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि यह सरकार हमारे साथ एक अजीब खेल खेल रही है। ये ठीक वैसे ही है कि आपको बहुत जोर से भूख लगी है और आपने अपने पिताजी को कहा कि हमको बिस्किट दे दीजिए, पिताजी आपको उठा करके अलमीरा पे बिठा दिए। अब आप बिस्किट मांगना भूल करके पापा को यह कहने लगे पापा हमको अलमारी से नीचे उतार दीजिए। तो सरकार कहीं ना कहीं ये खेल हमारे साथ खेल रही है। आप हर बार देखिए, हर बार देखिए, जो आंदोलन का मुख्य सवाल होता है उसको गुमराह कर दिया जाता है। CAA के चलते इस देश में कैसे सांप्रदायिक माहौल बिगड़ेगा, किस तरीके से लोगों के भीतर एक डर पैदा होगा, और वो डर ऑलरेडी पैदा हो चुका है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सिर्फ नॉर्थ बंगाल से, आपको रोकना पड़ेगा अभी दो मिनट के लिए, हम लौटेंगे और इस बात को जारी रखेंगे। फिलहाल ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक। नेशनल रिपोर्टर में आपका फिर से स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ युवा नेता कन्हैया कुमार हैं, जो छात्र राजनीति से उभरे और अब वो देश को बचाने का आंदोलन कर रहे हैं। कन्हैया, आप कहते हैं संविधान को बचाना है, उसके लिए आंदोलन करना है, देश को बचाना है। डर किस चीज़ का है? क्या नागरिकता संशोधन कानून का डर है या किसी और चीज़ का? नहीं, दरअसल डर इसमें लोगों को ये है कि जो लोग इस देश में रह रहे हैं उनकी नागरिकता छीन ली जाएगी। जो लोग आ रहे हैं और जिनकी नागरिकता दी जाएगी, किनको देना है नहीं देना है ये मसला नहीं है, हमारी नागरिकता छीन ली जाएगी, इस बात का डर है। और ये डर इसलिए है कि खास करके जो प्रभावित इलाके हैं, जो नॉर्थ ईस्ट का इलाका है, बंगाल है, बंगाल से सटा हुआ जो बिहार का सीमावर्ती इलाका है, वहाँ पर कैंपेन ये है कि नागरिकता कानून इसलिए लाया जा रहा है ताकि जब पूरे देश में NRC लागू किया जाएगा तो इस कानून को आधार बना करके जो गैर मुस्लिम हैं वो यहाँ रहेंगे और जो मुसलमान हैं उनको बाहर कर दिया जाएगा। अब इस डर की वजह क्या है, क्यों ये डर पैदा हुआ है? सबसे पहली बात तो यह है कि इसमें हम लोगों को ये समझना चाहिए कि ये कानून हिंदू और मुसलमान से संबंधित नहीं है, ये कानून हिंदुस्तान से संबंधित है। और हिंदुस्तान की बुनियादी समस्याएँ क्या है, अगर पूरे देश में NRC लागू होता है और CAB के बाद लागू होता है तो किस तरह की परिस्थितियाँ पैदा हो सकती हैं? सबसे पहली बात कि जो गरीब लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, आप उनके डॉक्यूमेंट की स्थिति देखेंगे तो एक ही परिवार में एक ही पिताजी के दो बच्चों के डॉक्यूमेंट में अलग अलग नाम होता है। आप वोटर आईडी को देखेंगे, फोटो किसी और का है, उसमें नाम किसी और का होता है, फोटो पत्नी का लगा हुआ है, नाम पति का लिखा हुआ रहता है, एक ही नाम को कई तरीके से लिखा जाता है। डॉक्यूमेंट बनवाने को लेकर के इतना डर है कि लोग रात को 2 बजे खड़ा होकर के लाइन में लगते हैं। स्थिति यहाँ तक पैदा हो गई है कि अलग अलग तरीके का सपोर्ट ग्रुप बना दिया गया है जो डॉक्यूमेंट लोगों का बनवा रहे हैं। ये डर का माहौल क्यों पैदा किया गया, सबसे पहला प्रश्न ये है। ये डर का माहौल पैदा होने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है कि सरकार लगातार जो नीतियाँ ला रही हैं उससे जनता सिर्फ और सिर्फ परेशान होती है और एंड रिजल्ट उसका कुछ भी नहीं होता है। नोटबंदी का उदाहरण हमारे सामने है, पूरे देश के लोग लाइन में लगे, काला धन वापस नहीं आया, भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगी, आतंकवाद और नक्सलवाद की घटनाओं पर रोक नहीं लगा। अभी सरकार कह रही है कि घुसपैठियों को डरने की जरूरत है, जो भारत के नागरिक हैं उनको डरने की जरूरत नहीं है, जबकि हकीकत यह है कि CAB लागू होने के बाद जब पूरे देश में NRC लागू होगा तो सबको लाइन में लगना पड़ेगा और खास करके जो गरीब लोग हैं उनको सबसे ज्यादा परेशानी का सामना उठाना पड़ सकता है। जो समाज के सबसे गरीब तबके के लोग हैं, जो नोमेडिक ट्राइब्स हैं, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इस वजह से कहीं ना कहीं डर है और डर का आलम यह है कि आपको आश्चर्य होगा कि अकेले नॉर्थ बंगाल में 17 से ज्यादा लोग आत्महत्या कर चुके हैं। इस वजह से क्योंकि मैं उन इलाकों का दौरा करके आया हूं, इसलिए मेरा मानना है कि ये आंकड़े सरकार में रजिस्टर हो रहे हैं कहीं? सरकार में रजिस्टर नहीं हो रहे हैं। जिस तरीके से नोटबंदी के वक्त लोगों की आत्महत्याएं हुई थी, सरकार के रजिस्टर में दर्ज नहीं हुआ था, लेकिन सब लोगों को पता है कि बीमारी की वजहों से, ज़्यादा वर्कलोड की वजह से बैंक कर्मियों की जान गई, लाइन में लग करके लोग बीमार हुए और लोगों की जान गई। कुछ अच्छी खबरें भी आई, प्यार हुआ और शादी भी हुआ बैंक के ATM के लाइन में। लेकिन इस कानून की ज़रूरत क्यों है, क्यों ये कानून लाया जा रहा है, इसके पीछे मंशा क्या है? सीधे सीधे मेरा हमारा यह मानना है, क्यों हम कह रहे हैं कि देश बचाने और संविधान बचाने की ज़रूरत है। संविधान की मूल भावना ये कहती है
कि भारत में किसी भी व्यक्ति को उसके धार्मिक पहचान या जातीय पहचान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। दूसरी बात इसमें जोड़ के ये कहा जा रहा है कि ये तो उनके ऊपर लागू होता है ना जो भारत के नागरिक हैं। हम भी यही कह रहे हैं कि जो भारत के नागरिक हैं वही परेशान होंगे इसमें, जब पूरे देश में एनआरसी लागू होगा, सीएबी लागू हो चुका है और बार बार गृह मंत्री बोले हैं कि सीएबी लागू करने के बाद हम पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे, तो जो भारत के बाहर के लोग हैं वो परेशान नहीं होंगे, ठीक, भारत के लोग ही परेशान होंगे। और आज प्रधानमंत्री ने बड़ी एक शानदार बात कही कि पाकिस्तान को नागरिकता देने की बात है। एक तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान जो है उसको सबसे ज्यादा प्यार अगर भारत में कोई करता है तो वो प्रधानमंत्री स्वयं है, और पाकिस्तान जो है उनके लिए बाबा जी का चूड़न है। जब तक वो पाकिस्तान का नाम नहीं लेते हैं जब तब तक उनका चुनावी खाना पचता ही नहीं है। इसीलिए मैं देश के नागरिकों को आपकी टीवी के माध्यम से अपील करना चाहता हूं कि ये एक देश विरोधी कानून है और देश की जनता को परेशान करने के लिए, खास करके जो गरीब लोग हैं उनको परेशान करने के लिए कानून लाया गया है। और इस कानून के आर में, सीएबी की आर में, एनआरसी के आर में इस देश के लोगों का जो बुनियादी सवाल है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, उसको गुमराह करने का प्रयास किया जा रहा है। इसीलिए संविधान से प्यार करने वाले लोगों को इस देश विरोधी कानून का हर संभव विरोध करना चाहिए और ये हमारी जिम्मेवारी है। और जहाँ तक हिंसा का सवाल है, बार बार कहा जा रहा है हम लोग किसी हिंसा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बकरी कभी भी बाघ के ऊपर हिंसा नहीं करती है। ये जो हिंसा का बार बार जो एक नज़रिया हमारे सामने प्रस्तुत किया जा रहा है, देशवासियों को ध्यान में रखना चाहिए कि आप कमज़ोर स्थिति में हैं, हिंसा आप कर ही नहीं सकते हैं। हिंसा का रास्ता आपको अगर चुनने के लिए कोई बता रहा है तो आपको गुमराह कर रहा है। हिंसा हमेशा ताकतवर लोग कमज़ोरों के ऊपर करते हैं, और हम तमाम कमज़ोर लोगों को इकट्ठा होकर के हम संविधान के द्वारा जो हमको मजबूती मिलती है उस मजबूती के लिए हमको मजबूती से खड़ा होना चाहिए, अपने हक अधिकार के लिए लड़ना चाहिए। जो आज़ादी हमको 1947 में मिली है उस आज़ादी को बचाने के लिए अपनी आज़ादी की आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। बहुत बढ़िया, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका कन्हैया, और उम्मीद करते हैं आपका जो आंदोलन है जिसके लिए आप लोगों को जुड़ने के लिए बोल रहे हैं वो आपके लिए वो आपका सक्सेसफुल है। थोड़ा सा वक्त और है मेरे पास, मैं आपसे 30 सेकंड में ये जानना चाहूँगी कि यही जो हिंसा की बात आपने कही, आप क्या अपील करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे हैं, बहुत सारे यूथ आपकी तरफ देखते हैं, जब आपसे इंस्पिरेशन लेते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक एनआरसी और सीएबी का सवाल है, निश्चित तौर पे देश की जनता को सरकार के साथ असहयोग करना चाहिए। और जो हम असहयोग का अपील कर रहे हैं, जो हम सविनय अवज्ञा की अपील कर रहे हैं, उसमें हम एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि गांधी जी को भी असहयोग आंदोलन तब वापस लेना पड़ा था जब चौरी चौरा कांड हुआ था। लेकिन होम मिनिस्टर ने कह दिया है कितना भी प्रोटेस्ट हो जाए ये कानून तो लागू होगा ही। होम मिनिस्टर की जागीर नहीं है ना देश, आज वो होम मिनिस्टर हैं तो अपने बेटा को बीसीसीआई का जनरल सेक्रेटरी बना दिए हैं। दिन हमेशा एक सा नहीं रहता है, वक्त का पहिया घूमता है। जो आज विपक्ष में हैं वो कभी सत्ता में थे, जो आज सत्ता में हैं उनको भी याद रखना चाहिए कि ये लोकतंत्र है। अगर लोकतंत्र बचेगा तो स्वाभाविक रूप से जो आज सत्ता में हैं उनको विपक्ष में भी बैठना पड़ेगा। अगर जनता जिता सकती है तो जनता हरा भी सकती है। ये अभिमान और गर्व की भाषा है, इस अभिमान और गर्व की भाषा का जवाब इस देश की सड़क पर मिलेगा। जब संसद देश के लोगों के लिए मौन हो गई है, स्वाभाविक रूप से सड़कों पर आवाज़ें उठेंगी, आवाज़ उठ रही है। और मैं इस बात के लिए शुक्रगुजार हूँ इस देश के कैंपस का कि वो एक जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने सुना कन्हैया कुमार को, पहले तो उन्होंने प्रस्तावना संविधान की पढ़ी और उसके बाद उन्होंने चेताया है कि अभी सत्ता में बैठे हैं तो जनता की आवाज़ ज़रूर सुनिए। नेशनल रिपोर्ट में इतना ही, नमस्कार।